उनकी उनको माल्यार्पण कर उनके उनका जो संघर्ष रहा है, उनकी जो भूमिका रही है, उसे कहीं ना कहीं याद करके, और आप देखें कि अब हेमंत सोरेन यहाँ से माल्यार्पण करने के बाद निकल रहे हैं, और यहाँ के बाद वो सीधे बिरसा चौक जाएंगे जहाँ पर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उससे पहले तो ये विनीत आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचे हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण समारोह के बाद, हाईटी के बाद, और यहां पर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जो आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड के वीर सपूत रहे हैं, उनकी प्रतिमा पर जाकर उन्हें हेमंत सोरेन नमन कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये तो हम लोग की परिपाटी और परंपरा रही है। अभी गांधी जी के भी मूर्ति पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है, अभी सिद्धू कान्हू जी का, फिर बिरसा मुंडे जी का भी करेंगे। और हमें गर्व है कि हम ऐसे वीर शहीद और वीर सपूतों के धरती में हम लोग रहते हैं, और हमें उनके इन स्मृतियों से सीख मिलती है, एक ताकत मिलती है, और हर चुनौती, हर मजबूत काम को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से ऐसे लोगों का एक सोच और एक आदर्श अपने मन में होना चाहिए, इसको और मजबूत करने का हम प्रयास करते हैं। कहा है कि हेमंत खुद समझदार है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर जरूर फोकस ध्यान देना होगा। जी जरूर, उनका जो उन्होंने कहा है उस पर भी विशेष ध्यान होगा, प्राथमिकता। चलो एकदम।